दिस वर्क वी टेकन ए थिन डेट गोल्ड एटम की फिल्म ले ली है, उस पर जब हमें कैसे पता लगा वो उसकी स्ट्रक्चर कैसी है, मतलब वहाँ पे पॉजिटिव आयन सेंटर पे लाई करते हैं कि नहीं, या इलेक्ट्रॉन उसके अराउंड घूम रहे हैं जो रुदरफोर्ड ने सजेस्ट किया था, उसके डेसिबल थे, जो उसके स्टूडेंट थे दोनों ने क्या किया, एक थिन फिल्म ले ली उस पर बम्बार्डमेंट की। अगर हम नॉर्मली वी टेक एज ए डेट गन फ्रॉम द बुलेट डेट इज कमिंग आउट, द स्पीड ऑफ डेट बुलेट कैन नॉट एबल टू एक्सपेंड डेट पर्टिकुलर गोल्ड एटम। सो ही दे सुजेस्टेड डेट देर इज अल्फा पार्टिकल विच आर हैविंग लाइक मास इज टू मच स्मॉलर बट द वेलोसिटी इज टू मच हायर, सो डेट मोमेंटम रिमेन कंजर्व। तो अगर मास है उन्होंने छोटा लिया, उस अल्फा पार्टिकल का बहुत छोटा होता है, उन्होंने क्या लिया, उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, सो इट इज हैविंग ए टू मच एनर्जी, सो इट विल मूव एट सच ए ग्रेटर स्पीड, सो दे विल बम्बार्ड दिस पर्टिकुलर गोल्ड एटम। सो लेटर ऑन दे विल कम टू नो वट द स्ट्रक्चर ऑफ दिस पर्टिकुलर गोल्ड एटम। सो हाउ द सेटअप वर्क्स, दे डिड ए कोलिमीटर, हेयर इट इज अ कोलिमीटर, बिफोर डैट देर इज ए पर्टिकुलर सोर्स फ्रॉम विच द डेट अल्फा पार्टिकल्स आर कमिंग आउट, दिस पर्टिकुलर सोर्स ऑफ ए मेटल ऑफ बिस्मिथ हैविंग ए मास इज 214 एंड द एटम इज डेट पर्टिकुलर प्रोटोन्स आर देयर 83, सो दे आर बम्बार्डेड विद टू मच एनर्जी डेट इज 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हैविंग अ टू मच एनर्जी, सो दे विल मूव विद ए ग्रेटर स्पीड। सो दीज आर द कोलिमीटर डेट मेड अप ऑफ द लेड ब्रिक्स, ड्यू टू दिस लेड ब्रिक मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल डेट आर कमिंग आउट ऑफ दिस स्ट्रेट पाथ, जो स्ट्रेट पाथ से बाहर निकल रहे हैं डेट विल अब्जॉर्ब, और ड्यू टू दिस लेड ब्रिक्स के कारण जो अल्फा पार्टिकल डेट गो विद ए नैरो बीम के कारण, नैरो बीम जाती है मतलब वो स्ट्रेट चलेंगे, सो दिस अल्फा पार्टिकल आर ऑफ हीलियम न्यूक्लियस डेट इज ऑफ द मास इज 4 एंड द चार्ज इज पॉजिटिव 2 आयन। वट वी दिस इज द थिक फिन दिस इज द वेरी थिन फिल्म डेट इज हैविंग ऑफ 2.1 × 10⁻⁷ मीटर डेट इज पर्टिकुलर थिकनेस ऑफ दिस पर्टिकुलर गोल्ड फिल्म। सो हेयर इज ए रोटेटेबल डिटेक्टर डेट इज ऑफ द जिंक सल्फाइड डेट इज मूवेबल, वो कैसे मूव करता है, मोस्ट ऑफ द पार्टिकल गो स्ट्रेट बट द पार्टिकल डेट डू नॉट गो स्ट्रेट डेट टर्न थ्रू एन एंगल, जिंक सल्फाइड का डिटेक्टर वहाँ पहुँच जाता है, डेट डिटेक्टर विल काउंट कितने अल्फा पार्टिकल आ रहे हैं और कितने एंगल पे वो डिटेक्ट हुआ है, ये एंगल भी बता देगा और कितने पार्टिकल उस टाइम पे आए हैं। दिस इज द वर्क ऑफ दिस पर्टिकुलर डिटेक्टर एंड आफ्टर डैट वट द ऑब्जर्वेशन डेट गिवन बाई दैट पर्टिकुलर साइंटिस्ट विद इन 1% एंगल, 1% एंगल में उसने देखा भाई 99.86 1% एंगल की बात कर रहा है, उसमें जो 99.86 पार्टिकल है डेट गो स्ट्रेट, तो बचे कितने 0.14%, तो डेट टर्न थ्रू 1 degree, टर्न थ्रू मोर देन 1 degree, मतलब यहाँ पे 1 degree से ज़्यादा जो टर्न होंगे, मतलब 99.86 तो स्ट्रेट जाएंगे, तो बचे बहुत थोड़े, अप्रोक्सीमेटली वी कैन से 100 पार्टिकल डेट गो स्ट्रेट, बट दो जो पार्टिकल टर्न करेंगे उनका एंगल ऑफ टर्न क्या होगा, 1 degree से भी ज़्यादा होगा, डेट माइट गो टू था 180 degree तक भी वो पार्टिकल जा सकते हैं। सो दे हैव सुजेस्टेड द मोस्ट ऑफ द पार्टिकल डेट आर गोइंग स्ट्रेट डैट मीन दिस स्पेस इज लाइक एम्प्टी, अगर ये स्पेस गोल्ड फिल्म की एम्प्टी है तो ही अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट जाते हैं, अगर यहाँ पे कोई पॉजिटिव आना होता दे विल अट्रैक्ट, सो ड्यू टू दिस द पार्टिकल स्ट्रेट, बट देर इज सम मास डेट लाइंग एट द सेंटर, ड्यू टू डैट दिस पर्टिकुलर परसेंटेज विल टर्न थ्रू एन एंगल, यहाँ पे कोई भी मास लाई कर रहा है जिसके कारण इतने परसेंट जो हमारे अल्फा पार्टिकल हैं वो टर्न कर रहे हैं, ठीक है जी। दे हैव टेकन ए पर्टिकुलर रीडिंग